हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नींबू का अचार। नींबू का खट्टा मीठा अचार तो आपने काफ़ी बार खाया होगा, पर आज जो नींबू का अचार मैं बनाऊंगी बिना चीनी के, बिना तेल के, बहुत ही टेस्टी और इजी। ये अचार टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये कभी ख़राब नहीं होगा और सालों साल चलेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 kg नींबू। इस अचार को बनाने के लिए नींबू को काटने का तरीका कुछ अलग है। जो ये वाला और ये वाला पॉइंट है, इसको पकड़ने के बाद इस तरह से कट करना है। ये वाली वाइट लाइन बीच में आनी चाहिए। इस तरह काटने से नींबू का अचार मैच नहीं होगा। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं नींबू को काटने का तरीका। इस तरह से सारे नींबू 4 पीसेस में कट कर लेने हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, नींबू को काटने से पहले इसको नमक वाले पानी में अच्छे से वॉश कर ले। ये मैंने सारे नींबू कट कर लिए हैं। एक कांच का बाउल लेंगे और जो लेमन हमने कट किए थे उसको इसमें डाल देंगे। एक छोटी कटोरी नमक ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 किलो नींबू के लिए 1 छोटी कटोरी नमक ऐड किया है। अगर आप 2 किलो नींबू का अचार डालना चाहते हो तो 2 छोटी कटोरी नमक ऐड करें। मिक्स करने के बाद इसको ऐसे ही 6 दिनों के लिए कवर करके रख देंगे, और 1-2 दिन बाद बीच बीच में हिलाते रहेंगे। बीच बीच में आप इसको हिलाते जरूर रहिए, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। 6 दिनों के बाद क्या होगा कि नींबू का छिलका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और अचार बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मसाले डालेंगे। 2 चम्मच जीरा, साथ ही इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 10-12 काली मिर्च, 3-4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। इन मसालों को हम लो फ्लेम पर 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। मसालों को ठंडा करके बड़ी इलायची का छिलका छीलकर इसका पाउडर बना लेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है तो चलिए इसे पीस लेते हैं। बड़ी इलायची का छिलका उतार कर इसको हम चाय वाले डिब्बे में डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ है। अब हम मसाला ऐड कर देंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि 6 दिनों के पहले आप मसाला ऐड ना करें, जब तक नींबू का छिलका सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस अचार को आपको धूप में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिना तेल का, बिना चीनी का बहुत ही चटपटा अचार बनकर रेडी है। अब मैं इसको कांच के जार में स्टोर करके रख दूंगी। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो भी इस अचार को खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे बिना चीनी के बनाया है। और एक बात, अगर आप नमक की मात्रा सही रखोगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।